नमस्कार, पूछता है उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। आज पूछेंगे उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी कि आखिरकार पुरानी पेंशन कब तक की जाएगी बहाल और इंतजार रहेगा नई सरकार का यानी कि 10 मार्च का। सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग कि पुरानी पेंशन को उत्तराखंड में भी बहाल किया जाए जिस तरीके से राजस्थान में किया जा रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये कि 10 मार्च को उत्तराखंड में किसकी सरकार बनती है और उसके बाद कर्मचारियों का इंतजार खत्म, यानी कि जो वो उम्मीद कर रहे हैं, जो वो मांग कर रहे हैं कि उनको फिर से पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, वो भी शायद खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ये बातें जरूर कर रहे हैं कि वो आएंगे तो इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन कर्मचारियों का इंतजार भी 10 मार्च तक है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई सरकार उत्तराखंड में बनेगी वो उनकी इन मांगों को जरूर पूरा करेगी। चलिए सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के अध्यक्ष और बीजेपी कांग्रेस के नेता। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर एक लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय, इसके लिए पूरे उत्तराखंड परिवार की ओर से, उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ अब राजस्थान सरकार के बाद ये निर्णय चूँकि इस सरकार ने भी लेना है, उत्तराखंड सरकार ने, और इस उत्तराखंड सरकार में आगामी जो सरकार यहाँ बनेगी उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेगी और यहाँ के पेंशन विहीन करीब 80,000 कार्मिकों के और शिक्षकों के इस ज्वलंत मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी और राज्य के तीसरे, देश के तीसरे राज्य के रूप में उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं दर्ज कराएगी। जैसा कि राजस्थान सरकार ने इस पुरानी पेंशन बहाली पर एक सकारात्मक निर्णय लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार भी इस मुद्दे पर अपना निर्णय लेगी और चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार से बड़ी उम्मीद है कि वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम वो कर्मचारी जो इस प्रतीक्षा में है कि राजस्थान सरकार की तरह और पश्चिम बंगाल की तरह उत्तराखंड सरकार में भी, उत्तराखंड राज्य में भी, जो कि उत्तराखंड ने हर बड़े बड़े आंदोलन पे अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं उजागर किया है, तो पुरानी पेंशन बहाली का भी तीसरा राज्य उत्तराखंड बने, इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग नई सरकार से बड़ी उम्मीदों में हैं और प्रतीक्षारत हैं कि आने वाली सरकार निश्चित रूप से इस बड़े मुद्दे पर कोई ना कोई सार्थक पहल करेगी। अशोक गहलोत जी तो जादूगर आदमी है, हर कोई जादूगर नहीं होता, लेकिन उनके कदम का स्वागत है और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर विचार विमर्श उपरांत इस निर्णय और निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेगी कि हम भी अपने उत्तराखंड के राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस दें। इस पर निर्णय करेगी, मंथन करेगी, विचार करेगी, अपने राज्य की आर्थिक स्थिति का आंकलन करेगी और उसके बाद कैसे रास्ते निकालने हैं कि भरपाई हो जाए। यद्यपि बोझ तो पड़ना है, लोड तो पड़ना है, पर अपने ही कार्मिकों को ओपीएस कैसे मिल जाए, इसका भी रास्ता निकालने के सारे संभव प्रयास करेगी। ये है कि निश्चित रूप में ये बड़े ही ज्वलंत और संवेदनशील विषय थे और मुखर भी था, पुलिस बल भी, ओपीएस वाले भी मुखर थे, उनकी रैलियां भी चलती रही, लेकिन उनका अंदर ये गुस्सा तो जरूर था, लेकिन मतदान केंद्र तक और मशीन तक जाते जाते उन पे हावी हो जाता है राष्ट्रवाद, उन पे हावी हो जाती है मोदी सरकार की योजनाएं, तो वो जो कितना गुस्से में भी जाते हैं उसमें से 99% लोग जो हैं ठप्पा कमल पे ही लगा के आते हैं। इसलिए हम थोड़ा सहज हैं और आश्वस्त हैं कि सरकार बनेगी, इन्हीं लोगों के सहयोग से बनेगी और इन्हीं लोगों के लिए हमने आगे पूरा काम करना है। जो कमी पेशी हमारी ओर से रह गई हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उसको धरातल पे नहीं उतार पाए, लेकिन हम इन्हीं लोगों से जो है अपना स्वागत, अभिनंदन और माल्यार्पण भी कराएंगे जब हमारा ये काम हो जाए। देश के नागरिकों के साथ सदैव नाइंसाफी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद जिन जिन को सरकारी नौकरियां मिलनी थी उनको पेंशन ना देने की योजना बना के उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और पेंशन योजना हो गई समाप्त। और जो लोग पूरी जिंदगी देश के लिए काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी बनते हैं, आज उन पर प्रहार कर रही है
ये वाली मोदी सरकार, क्योंकि ये दो देश के लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू बहुत पहले ही दोबारा कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है। जिसने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करी, देश की सेवा करी, आप उसके बुढ़ापे की लाठी को छीन लेते हैं, उससे तोड़ देते हैं उससे। ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और आज ये बात जब सामने आई है कि हम इस पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करेंगे, तो राजस्थान की सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। और अगर उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें आ रही है वे केवल प्रहार कर रही है भारत के लोकतंत्र पे, भारत के नागरिकों पर, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उच्च वाले लोगों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं, ये कल्याणकारी राज्य की सरकार नहीं, ये तानाशाह बनकर लोगों को गुलाम बनाकर रखकर राज करना चाहते हैं। इस भ्रम में ये ना रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी और पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करी जाएगी, क्योंकि ये अधिकार लोगों का है, ये अधिकार नागरिकों का है, क्योंकि लोकतंत्र चलता है लोगों से, प्रजातंत्र चलता है प्रजा से, जनतंत्र चलता है जन से। इसलिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की बात हरीश रावत जी ने भी करी है और उसका हम सब स्वागत करते हैं, और खास करके वो जो इस लड़ाई को बहुत समय से लड़ रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो उत्तराखंड में पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को एक बार खुश करेंगे, यानी कि जो वो मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को ज़रूर पूरा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो इंतज़ार कर रहे हैं 10 मार्च का, जिस दिन रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि सरकार किसकी बनती है, और सरकार के बनने के बाद आगे फिर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ऐसा बीजेपी कांग्रेस कहती है। लेकिन इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बीजेपी से संजीव वर्मा जी हैं। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ राव बिलावर साहब हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। अरुण पांडे जी हमारे साथ अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय पांडे जी जुड़ेंगे। अजय पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अरुण पांडे जी आपसे एक सवाल है मेरा कि किस तरीके की मांग आप कर रहे हैं, और क्योंकि इंतजार रहेगा 10 मार्च का कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन यदि सरकार किसी की भी बने, आप लोगों की मांगे क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए सुभाष जी, बड़ा स्पष्ट है कि पहले हम लोगों को 2005 से पहले जो जिनके हम कर्मचारी हैं, जैसे जिनमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों को लोग सरकारी सेवा में इसलिए आना चाहते थे कि उनको कम से कम एक गारंटी होती थी कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको एक आर्थिक आय होती रहेगी प्रतिमाह पेंशन के रूप में, और उस जरिए के लिए लोग लालायित रहते थे सेवा में आने के लिए। लेकिन 2005 से उस सुविधा को बंद कर दिया गया और बड़ी ही एक लोक लुभावनी तस्वीर प्रस्तुत की गई न्यू पेंशन पॉलिसी की। लेकिन वर्तमान में जो देखने में आया है, तमाम सारे उदाहरण जो सामने आए हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि नहीं, न्यू पेंशन पॉलिसी एक छलावा मात्र है और इससे बहुत बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। जिन लोगों को इसको मिल भी रहा है वह कहीं 2000 कहीं 3000 इस तरह से कुछ प्राप्त हो रहा है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसा लेकर के और उसको बाजार में लगाया जाना है, शेयर बाजार में लगाने के बाद ही उसमें उसके लाभ के आधारित योजना है। हमारे कर्मचारियों का कहना यह है कि जिस तरह से पहले पूर्व 2005 से पूर्व पुरानी पेंशन पॉलिसी थी, उसी व्यवस्था के अंतर्गत उनको भी इसका लाभ दिया जाए, और इस संबंध में हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। हमारे मांग पत्र में हमने वेतन विसंगति समिति के सम्मुख भी ये बात रखी थी, हमने मुख्य सचिव के सामने भी ये बात रखी थी, और आपको ज्ञात ही होगा कि अभी मैंने देखा दो तीन दिन पहले कि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जो कि वित्त के अच्छे जानकार माने जाते हैं, माननीय आलोक जैन साहब जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने भी इस बात की पुरजोर पैरवी की कि नहीं, पुरानी पेंशन पॉलिसी का लाभ, ये तो नई का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है तो दिया जाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है
कि किसी भी हाल में पुरानी पेंशन की व्यवस्था के अंतर्गत समस्त राज्य कर्मियों को लाया जाए। ठीक है, आप लोगों की मांग है कि फिर से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपसे सवाल। आपकी पार्टी भी कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम इस पर काम करेंगे, कितना भरोसा करें कर्मचारी की? उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार यदि आती है तो वो करेगी काम। सुभाष जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो अभी दृष्टि पत्र चुनाव का आया है 2022 का, उसमें हमने साफ उल्लेख किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो पुरानी पेंशन का जो काफ़ी समय से एक पेंडिंग मामला है, हम इसके ऊपर काम करेंगे और अपने जितने कर्मचारी भाई हैं उनके हितों का पार्टी पूरी तरह से ध्यान रखेगी और सरकार बनने के बाद इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पेंशन की जो बहाली है उस पर हम काम करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, 2005 में जिस समय ये पेंशन रोकी गई, पुरानी पेंशन रोकी गई और उसको एक नए स्लैब के अंतर्गत लाया गया, जिससे कर्मचारियों का मैं सोचता हूँ कि काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और उस समय आप देखें तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी, और उसके बाद भी 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 12 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही। यदि आप लोग कर्मचारियों के हित का इतना ही आप लोगों को ख्याल था तो आप लोगों ने उस समय कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? और यदि आप लोग उस समय कदम उठाते तो हम सोचते कि आप वाकई अपने कर्मचारी भाइयों के हमदर्द हैं, आप वाकई उन लोगों की बेहतरी के लिए एक ऐसा मानते हैं। क्योंकि इस समय बहुत ही निकट में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में एक कर्मचारियों के वोट पाने के लिए, कर्मचारियों के वोट के रूप में एक बढ़त बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने इस तरह का एक ये शिगुफा छोड़ा है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आने वाले आप समय में देखिएगा, अभी तो उन्होंने खाली एक बात ही करी है, राजस्थान में बात ही करी है। और एक सुभाजी एक मिनट, सुभाजी एक मिनट, राव साहब, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार आपकी थी, कांग्रेस की, आप लोगों ने किया है, मानते हैं आप इसे? क्या सही कह रहे हैं वर्मा जी? मैं तो इनकी सभी बातों को मानता हूँ, इनके डबल इंजन को भी मानता हूँ मैं, इनके पेंशन जो इन्होंने आज तक डबल इंजन चलाकर कर्मचारियों को दिए मैं उसे भी मानता हूँ, इनका मैं क्या ना मानू, मैं तो इनकी हर बातें मानता हूँ। लेकिन अब हमने जो करके दिखाया है, अब आप कह रहे हैं करेंगे, आप तो सरकार में रहे, केंद्र की सरकार, राव साहब आप, राव साहब आपने 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 किया आप आपने किया आपने किया आपने किया आपने किया आपने जो किया आपने जो किया इसीलिए इसीलिए आज कर्मचारियों को झंडा उठाना पड़ रहा है। हमने सबक लेकर आपने आपने जो किया आपने जो किया आपने पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया, आपने पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया। जब जब आपको मौका मिला, जिस समय आपके पास मौका था उस समय आपने काम नहीं किया, उस समय आप लोग राजनीति कर रहे थे, उस समय आप लोग सत्ता में मदमस्त थे, उस समय आपको कर्मचारी का ख्याल नहीं आया। आज राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव में कर्मचारियों को लामबंद करने के लिए, कर्मचारियों को मात्र लामबंद करने के लिए आपने ये शिगुफा छोड़ा है। और आप लोग इस बात को कितना आगे बढ़ाते हैं, ये आपके आप लोग केवल सवाल उठाना जानते हैं, सवाल उठा के एक शिकवा छोड़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं।
हम सिगुफा कहाँ छोड़े हैं, हमने तो करके राव साहब, राव साहब जरा अरुण पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं एक मिनट, सर एक मिनट अरुण पांडे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरकार उस समय किसकी थी? 14 शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय तय किया गया। रावत जी की पहली कैबिनेट मीटिंग जो हुई, बोना पेंशन हम लेके आए, वर्धा पेंशन। राव साहब जरा अरुण पांडे जी, अरुण पांडे जी को ले लेते हैं। अरुण पांडे जी किस, आप आपको बेहतर तरीके से याद होगा, वर्मा जी को शायद याद नहीं है, उस समय केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था मैं, अरुण पांडे जी उस समय केंद्र में अटल बिहारी सरकार थी। सर मामला 2005 का है, 2005 का मामला है, 2004 में हमारी सरकार, मामला 1 अप्रैल 2005 के बाद जो सरकारी कर्मचारी, लेकिन मामला 2004 से चल रहा, 2005 में मनमोहन सिंह सरकार थी, मामला चल रहा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से मामला चल रहा था। 2004 में निर्णय लिया गया था, अटल जी की सरकार ने निर्णय लिया था। आप लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ पे इस तरह से गलत बात करने के लिए, पहले पूरा पढ़िए। 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस निर्णय को लागू किया था, जो कि 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ पांडे जी कि 2004 यानी कि 1 अप्रैल 2004 को निर्णय लिया गया था और कहा गया था कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होगा उसके लिए नई पेंशन लागू किया जाएगा और पुरानी पेंशन को क्या हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन झूठ को हल्ला उतार कर बोलिए, सब साबित कीजिए बस। राव साहब प्लीज देखिए सुभाष जी, ये दोनों लोग श्रेय लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने श्रेय लेने के लिए किया है, कर्मचारियों को लामबंद करने के लिए किया है। इसी देहरादून में एक ऐतिहासिक रैली हुई न्यू पेंशन पॉलिसी को समर्थन के स्थान पर पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू कर किए जाने के लिए। बीजेपी सरकार को किसने रोका था आपसे मैं बताऊं? वेतन विसंगति समिति में हम लोग गए, उन्होंने आदरणीय शत्रुघ्न सिंह साहब ने जो उसके अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आखिर आप क्यों मांगते हैं, आपने कोई अध्ययन किया है? मैंने एक सीधा सी बात रखी कि चलिए हमने कोई अध्ययन नहीं किया, हमारे पास उतने संसाधन मान लीजिए नहीं है, सरकार के पास तो है। यदि आज की डेट में कर्मचारियों का इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ा समूह एक किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सरकार ने कौन सा अध्ययन किया है और उसने दिखाया है कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, नई पेंशन पॉलिसी अच्छी और पुरानी पेंशन पॉलिसी के मुकाबले में आपने क्या अध्ययन किया? उन्होंने तत्काल वित्त विभाग को निर्देशित किया कि आप एक अध्ययन करिए और जो निर्णय उस समय लिया गया था उन किन परिस्थितियों में लिया गया था और आज क्या परिस्थितियां हैं, उसमें क्या किसी को प्राप्त हो रहा है? आज तक किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं एक अध्ययन किए जाने का। और ये तो वेतन विसंगति समिति की बात बता रहा हूं मैं, इसके पहले भी बैठकों में इस तरह के निर्देश वित्त विभाग को दिए गए कि आप एक अध्ययन करके दोनों की समीक्षा तो सामने प्रस्तुत कीजिए जिससे लगे कि आप क्या सही है क्या गलत है, लेकिन किसी ने नहीं किया। वित्त विभाग के एक अधिकारी का भी बयान आया है 2-3 दिन में, कल या परसों में मैंने देखा था, इस पे इतना पैसा खर्च होगा, सारा पैसा इनका तभी खर्च होता है चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, जब कर्मचारियों को कोई सुविधा दी जानी होती है, जब इनको अपनी सुविधा बढ़ाई जानी होती है, उस समय कहीं कोई इनको दिक्कत नहीं होती, उस समय कोई आर्थिक इनके पास जो है कठिनाई नहीं होती है और ये बड़े आराम से सारे लोग सभी दल एक साथ मिलजुल करके अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपने सारे देख बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो ये लोग जो है उसमें तमाम सारे किंत परत लगाने लगते हैं। अच्छा संजीव वर्मा जी, आपने सुना किस तरीके से अरुण पांडे जी ने कहा कि जब अपने लिए कुछ काम करना होता है, जब विधायकों के लिए काम करने होते हैं, मंत्रियों के लिए काम करने होते हैं, भत्ते बढ़ाने होते हैं, उस समय तो आप लोग कुछ नहीं देखते, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करने की जरूरत है, जब उन लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, उस समय आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है। वर्मा जी, सुभाष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो हमारा दृष्टि पत्र हमने घोषित किया, हमने अपने दृष्टि पत्र में साफ उल्लेख किया है कि हमारी जो अभी नई सरकार 10 मार्च के बाद दोबारा काम करना प्रारंभ करेगी, तो हम पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर
इसमें जल्द से जल्द हम एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द हम इसको एक कार्य रूप देने का हम काम करेंगे। अच्छा वर्मा जी, कितने दिन का इंतजार करें? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? नहीं पड़ी तब आने वाले पांच साल, ना कितने महीने ना कितने साल, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे हम अपने कर्मचारी भाइयों का जो हित है उन अपने कर्मचारी भाइयों के लिए जो भी बेटर उनके बेटरमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज लाई जानी है सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हम उसको लाने का काम करेंगे। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है उसके लिए भी एक वक्तव्य दिया है, एक घोषणा करी है कि हम सुभाष जी मेरी बात सुनिए चुनाव निमट चुके हैं चुनाव मेरा राव साहब से भी है। सुभाष जी पहले आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनती है कितने दिन में, कितने महीने में, कितने सालों में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन फिर से आप बहाल करेंगे उत्तराखंड में? पहली कैबिनेट में कुछ बड़े ऊपर वाले ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। ऊपर वाले ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई, तो पहली कैबिनेट में हमने राज्य 2027 में 2032 में दिखाएंगे 2007 में 2032 में दावे नहीं करता कि मैं फिर आऊंगा, दृष्टि पत्र बनाऊंगा 2007 में कि 2032 में। कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी सत्ता में नहीं आ रही है। दिन में सपने देखने छोड़िए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है और हम टॉप प्रायोरिटी पर कर्मचारियों के हितों में जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है उसको हल करने का काम करेंगे। और जिस तरह से साथी छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनको तो लेके आइए आप, ये सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ मैं आज की डेट में। क्या कर रहे हैं आप? आवाज इको हो रही है भाई बहुत ज्यादा। आप कर क्या रहे हैं? आप जनता को जवाब दीजिए। राव साहब आपको जानकारी होना चाहिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने यूक्रेन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको टॉप प्रायोरिटी से वहां से डिपोर्ट करने का काम कर रही है। आप मत बोलिए ईरान का युद्ध, ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ था आप लोगों की सरकारों ने एक बार भी जितने लोग ईरान इराक में फंसे हुए थे आप लोगों ने बिल्कुल भी उनको डिपोर्ट करने का काम नहीं किया। वो लोग तरसते रहे, कराहते रहे वहां पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये आपसी लड़ाई में डिबेट के मुद्दे को ना भटकाएं। प्लीज राव साहब आपसे भी अनुरोध है, प्लीज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी मुद्दे पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अजय पांडे जी, मेरा आपसे सवाल था कि आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना आपने कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कह रही है पहले ही कैबिनेट में हम फैसला लेंगे और बीजेपी कह रही है जैसे ही सरकार बनेगी इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप राजनीति में बड़े लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सभी की सरकारें आपने देखी हैं, कितनी उम्मीद की जाए सरकारी कर्मचारी, कितनी उम्मीद किस पार्टी से करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी राजनीतिक दल चाहे जिनकी भी सरकार रही हो वो सरकारें कर्मचारियों को हमेशा उनको उपयोग करती हैं, उनका राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में उनको लुभाने का प्रयास करती हैं। कर्मचारी भी जानते हैं कि समय समय पर उनका
उनको अपने पक्ष में किया जाता है, उनके लिए तमाम बातें भले ही कही जाती रही हो लेकिन कर्मचारियों के हित को लेकर के कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी मांग कभी नहीं मानी जाती है। ये कर्मचारी नेता भी जानते हैं, कर्मचारी संगठन के लोग भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था का रीढ़ होते हैं। कर्मचारियों की जो मांगे होती हैं वो समय समय पर पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी बेवजह कोई ऐसी चीज नहीं मांगते हैं जो सरकारें उनकी मांगों को पूरा न कर पाए। लेकिन अगर कोई सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है तो उसके पीछे वो कई रीजन भी रखती है, कई कारण भी रखती है। कर्मचारियों का समय समय पर राजनीतिक रूप से जो दुरुपयोग है उपयोग है वो नहीं होना चाहिए। कर्मचारी जो बात कहते हैं, जो संसाधन उनको चाहिए वो संसाधन उनको देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद जब कर्मचारी सरकार पर आश्रित होते हैं तब सरकार अगर उनको लाभ नहीं तो ऐसी स्थिति में वो कहां जाएंगे। आपने एक ही समय में एक ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों में विभेद किया है, एक के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की है, एक के साथ नई पेंशन व्यवस्था लागू की है, एक के वेतन से तमाम कटौतियां की जाती हैं, एक के वेतन से कटौतियां नहीं की जाती हैं, और जो सुविधाएं हैं वो दोनों को अलग अलग तरीके से क्यों दी जाती है, ये तमाम सवाल है। और रही बात चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्मचारियों के हित के लिए काम करना चाहिए। और जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं कि अगर उनके पार्टी की सरकार बनेगी तो वो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए काम करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि जिसकी भी सरकार बने, कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं लेकिन सरकार जिसकी बने वो पंडित जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि वित्तीय भार कितना पड़ेगा इससे। मान लीजिए सरकार किसी की भी बनती है, कितना वित्तीय भार पड़ेगा और कितने कर्मचारी होंगे जो अभी तक पुरानी पेंशन को ले रहे हैं, यानी कि जो नहीं ले रहे हैं, नई पेंशन अप्लाई हो रही है जिन पर, और जिनको यदि इसका लाभ मिलना है यदि सरकार करती है तो। देखिए, सरकारों की ओर से या वित्त विभाग की ओर से जो भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन आंकड़ों में ये बात को जरूर जोड़ना चाहिए कि जो विधायक हैं, सांसद हैं या बाकी अन्य प्रतिनिधि हैं, जब उनके पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है, उनको पेंशन दिए जाते हैं, तो कर्मचारियों को भी तमाम सुविधाएं, तमाम पेंशन जरूर मिलने चाहिए जो कर्मचारी लगातार मांग करते रहे। एक लंबा और बड़ा वक्त जरूर बीता है लेकिन अभी देर नहीं हुई है। सरकारों को अपने किए हुए कार्यों पर, यानी जो कमियां रही हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अभी उत्तराखंड सरकार काफी कर्जे में है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी हमेशा कर्जा लेना पड़ता है, बाजार से पैसे उठाने पड़ते हैं, उसका ब्याज अदा करते करते सरकारें थक गई है। लेकिन अगर आप अपने लिए वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं, अपने लिए तमाम सुविधाएं लेने की बात करते हैं, तो कर्मचारियों के हितों को भी देखते हुए कर्मचारियों की मांगों को भी मानना चाहिए। और कर्मचारियों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाली की कर्मचारी मांग कर रहे हैं उसको तत्काल इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि अब कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर कर्मचारी बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, अगर उन्होंने अरुण पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने सुना किस तरीके से वर्मा जी और राव साहब मुद्दे से भटक गए थे? ये लोग तो मुद्दे से भटकेंगे, इनके लिए सबसे सुविधाजनक यही है कि मुद्दे को दबा दिया जाए और दूसरी चीज पे ले जाया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि इनके चाल में हम आने वाले नहीं है और आपने अच्छा किया कम से कम इनको ट्रैक पे ले आए, है ना। रही बात ये, मुद्दे से भटके नहीं थे, आप ही ने शुरू किया था यूक्रेन की बात। रही बात जहां तक व्यय की बात कह रहे हैं आप, एक दिन विधायक या सांसद रहने के बाद पूरी पेंशन लेते हैं ये लोग। एक ही व्यक्ति, कभी सांसद, कभी विधायक, कभी कुछ, तीन तीन पेंशन ले रहा है, तब तो नहीं देखा जाता वित्तीय भार। तीसरी चीज, हमने हमेशा से सरकार और शासन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप हमारे साथ बैठिए। हम वो लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं, हमको पता है कहाँ से बचत की जा सकती है, कहाँ व्यवहार बढ़ाया जा सकता है। आज तक किसी ने सुना नहीं, क्योंकि हम बता देंगे, हम इनकी पोल खोल देंगे कहाँ कहाँ जो है मितव्ययता हो सकती है और कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है। हम जो है फिजूल खर्ची पर हाथ रखेंगे
तुरंत इनकी पोल खुल जाएगी, इनको इनको परेशानी होने लगेगी। हमने तो डंके के चोट पे कहा, हर बार हर बैठकों में कहा कि नहीं, आप हमारे साथ बैठिए और आप हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं आपको कहाँ कहाँ खर्चे रोके जा सकते हैं। एक एक अधिकारी के पास, एक एक मंत्री के पास तीन तीन चार चार गाड़ियां चल रही हैं। वो क्यों चल रही है भाई? जितने के लिए एंटाइटलमेंट है उतना करिए आप देखिए तो सही कि कितना खर्चा कहाँ पे अपव्यय हो रहा है। लेकिन ये नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर किया जाएगा कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है कर्मचारियों की मांग पे, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए नहीं दिया जा सकता है, नंबर एक। एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी किसी मांग पे हमारी, तो उन्होंने स्वयं कबूल किया इस बात को कि वित्त विभाग ने किसी संगठन की मांग पर जो आकलन प्रस्तुत किया गया था, वह जब उन्होंने अपना आकलन बनवाया तो वो चार गुना ज्यादा निकला, चार गुना ज्यादा। तो वित्त विभाग इस तरह से भी चीजों को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है। और हम ये कह रहे हैं, जब पुरानी सरकारें किसी चीज को दे रही थी, आपने एक लालीपाप दिखाया, एक सपन दिखाया लोगों को कि इससे बड़ी अच्छी व्यवस्था हम ला रहे हैं, और वो व्यवस्था फेल हो रही है, तो आप उसे वापस क्यों नहीं लेंगे? वर्मा जी, आपने सुना किस तरीके से अरुण पांडे जी ने कहा कि आप दोनों ही दल जब सत्ता में होते हैं, आपके विधायक, आपके मंत्री, उनके पास चार चार गाड़ियां होती हैं, उनके स्टाफ के पास दो दो गाड़ियां होती हैं, तब वित्तीय भार आप लोगों को नहीं दिखता। लेकिन जब विकास कार्य करने होते हैं, जब कर्मचारियों को कुछ फायदा हो रहा है, तब आप लोग कई तरीके की बातें लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि पहली ही कैबिनेट में बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तराखंड, पहली ही कैबिनेट में आप लोग कर्मचारियों की जो मांग है, खासतौर से पुरानी पेंशन की जो मांग है, पूरा करेंगे? या फिर इस बार वित्तीय भार या कोई और गणित उनको सिखाने की कोशिश करेंगे? सुभाष जी, देखिए, सरकारें जब चलती हैं तो हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं वो सरकार के कान, नाक, आंख और हाथ का काम करते हैं, क्योंकि हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं वही सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप सभी एक मुख्य कड़ी हैं, सब आप और हम एक ही कैटेगरी के लोग हैं, और आप हमसे अलग नहीं हैं। आप अपने आप को हमसे अलग मत सोचिएगा, हम आपके हित का हर संभव ख्याल रखते आए हैं और रखते रहेंगे। और जैसा कि आप सुभाष जी ने कहा, हमारी इस समय आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के बाद जैसे ही हमारी सरकार पुनः सत्ता वापसी कर रही है और जैसे कार्यभार नई सरकार संभालेगी, तो उसमें कर्मचारियों के हितों का हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान करेंगे, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन योजनाओं का है हम उसको करने का काम करेंगे। साथ ही मैंने पहले आपसे बताया, जो हमारा भी दृष्टि पत्र है, अपने दृष्टि पत्र में भी दृष्टि पत्र का वादा बार बार ना करें। अरे 2017 का दृष्टि पत्र था, आपने 90% अपने 90% योजनाओं को हमने उसमें पूर्ण किया है, उसमें हमने 90% योजनाओं को हमने पूर्ण किया है। हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते, हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते, कांग्रेस की तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते। ये लोग केवल वायदे करते हैं, ये लोग केवल वायदे करते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम जन जन को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप शोर मचाने लग जाते हैं। राव साहब, पहले मैं अपना सवाल ले लूं वर्मा जी से पूरा। राव साहब, मेरा सवाल वर्मा जी से है, पहले मैं वर्मा जी से पूरा सवाल बताइए। वर्मा जी, मैंने कहा, आपने कहा कि 2017 का घोषणा पत्र के लगभग 90% काम हमने पूरे किए। बिल्कुल। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने पुराने घोषणा पत्र के जो काम है उसकी समीक्षा मीडिया के समक्ष रखेंगे नया घोषणा पत्र जारी करने से पहले, लेकिन वो नजर नहीं आया। बिल्कुल रखा भैया, कैसी बात कर रहे हैं? हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने
अच्छा चलिए बताइए, लोकायुक्त कहाँ है आपका? आपका 2017 में लोकायुक्त का मुद्दा सबसे पहले था, 100 दिन में लोकायुक्त ला रहे थे। सुभाष जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई है हमने 5 साल, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई है हमने 5 साल। आप ये देखिएगा, हम लोगों ने जो वायदे किए हमने उसको पूरा किया। हमने गैरसैंण का को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का हम लोगों ने काम किया। हमने उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। हमने उत्तराखंड से दलालों को भगाने का काम किया। जिस तरह 2012 से 17 तक सचिवालय और अन्य स्थान दलालों का अड्डा बना रखा था कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने पूरे पूरी जगहों से उन दलालों को खदेड़ने का काम किया। जीरो टॉलरेंस की सरकार पूरे 5 साल चली। और तो और जो योजनागत जो हमारे खर्चे थे उसमें काफी हद तक कमी लाने का हम लोगों ने काम किया। इस समय बात चल रही है कर्मचारियों के हितों की, तो मैं मुद्दों से ना भटकते हुए मैं अपने कर्मचारी भाइयों को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हितों का नई सरकार पूरा ध्यान रखेगी और यथा समय टॉप प्रायोरिटी पर आपकी जो पुरानी पेंशन की जो मांग है उसका हम पूरे अक्षरशः जो भी बेटर से बेटर हम लोग कर उसमें करने का होगा हम लोग करेंगे। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं नहीं करते। हम राजस्थान की तरह हम राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है इसलिए अशोक गहलोत जी ने इस समय पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाला। राव साहब और अब आने वाले समय में भी राव साहब वर्मा जी ने कहा अशोक गहलोत जी को 500 रुपए का सिलेंडर भी करना चाहिए था जो आप लोगों ने यहाँ पे शोर मचाया पूरे चुनाव भर में। अशोक गहलोत जी को 500 रुपए का सिलेंडर अपने राजस्थान में भी करना चाहिए था जिस चीज का आप लोगों ने पूरे शोर मचा के रखा है यहाँ पे। सिलेंडर की बात नहीं करें बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ कि राज्य कर्मचारियों की मांगों पर बात हो तो बेहतर रहेगा। आपने कहा वित्तीय भार पड़ेगा, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं हम विचार विमर्श करेंगे, आप ही के पार्टी के कई सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हम विचार विमर्श करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद फैसला लेंगे। राव साहब कह रहे हैं हम तो पहली कैबिनेट में कर देंगे। हालांकि हरीश रावत ने जरूर ये कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे और कहीं ना कहीं स्थिति बनाएंगे। माननीय हरीश रावत जी का बयान भी आ चुका है, जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने किया है वो ही हमारी एक दूरदृष्टि सोच है कि हम कर्मचारियों के और अपनी जो विधवा पेंशन है, बोना पेंशन है जो इन लोगों ने बंद की। माननीय हरीश रावत जी की कई योजनाएं थी जो सुचारू रूप से चल रही थी, इनकी सरकार ने सर्वप्रथम आते ही उन योजनाओं को बंद किया और वो योजनाएं आम जन तक पहुंचनी बंद हुई। और मैं आज आपसे सुभाष जी व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूंगा, ना कि एक प्रवक्ता की हैसियत से, कि हमारे कर्मचारियों को जितना भी सरकार की तरफ से मिलना चाहिए मैं उसके लिए भी व्यक्तिगत रूप से हमेशा अपने कर्मचारी भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सरकार और मेरे नेता हमारे कर्मचारी भाइयों की बात को मानेंगे और इस बार जो सरकार आएगी वो सरकार आमजन और कर्मचारी जनों के हितों के लिए फैसले लेगी। इनकी पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली कर्मचारियों के साथ क्या किया सब जानते हैं। और अब अच्छा राव साहब देखिए, हम बीजेपी पे आरोप लगाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि सरकार में तो आप भी रहे, आपकी सरकार पूर्व में भी रही उत्तराखंड में, आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं किया जब आपका विचार इतना बेहतर था? आप चाहते थे कर्मचारियों के लिए कि उनकी पुरानी पेंशन को ये लोग अवैध खनन में मस्त थे, ये लोग डेनिस शराब बेचने में मस्त थे, ये लोग आबकारी विभाग का हजारों करोड़ का चूना लगाने में मस्त थे, ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधे में मस्त थे। वर्मा जी राव साहब भ्रष्टाचार में बस मस्त थे। कहां ध्यान था उस समय आपको कर्मचारियों का?
कर्मचारियों का ध्यान केवल आप कर्मचारियों का ध्यान की बात आप उस समय करते हैं जब जिस समय आप लोग सत्ता में नहीं होते। जैसे ही आप लोग सत्ता में आते हैं आप अपने हितों का ध्यान रखने में मस्त हो जाते हैं। अरुण जी जरूरी मुद्दा है, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल ने मीडिया के सामने ये तो कहा कि हम लोग आते ही सरकार बनाते ही आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जब सवाल पूछते हैं तो मुद्दे पुराने उखाड़े जाते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। अब मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी सबसे ज्यादा उम्मीद किस राजनीतिक दल से? देखिए सुभाष जी, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। रही बात ये, हम ये जानते हैं, आप सुन लीजिए, बिना लड़े हमको किसी भी सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी यहाँ पे बैठ करके लोग बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, दोनों लोग जब विपक्ष में थे तो साथ में आकर के रात में धरने पे बैठ करके धरना देते थे, हम आपकी मांग पूरा करेंगे। लेकिन जो ही सत्ता में आए फिर क्या हुआ, भूल गए अपने उस धरने को भी भूल गए। तो मैं इस जाल में नहीं आने वाला हूं चाहे कोई भी बोले। एक बात आप स्पष्ट देख रहे हैं कि चलिए कम से कम राव बिलावर जी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि कह दिए पहली कैबिनेट में करेंगे, पता नहीं पूछ के आए कि नहीं पूछ के आए। लेकिन वर्मा जी नहीं बोल पा रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं विचार करेंगे, देखेंगे, ऐसा करेंगे। अरुण जी देखिए आप बड़े भाई हैं हमारी। वर्मा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं सुनता हूँ, मैं जवाब भी दूंगा आपकी बात। आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। रही बात बीजेपी की, जो वर्मा जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, एक डिबेट में इन्हीं के प्रवक्ता हमारे बगल में बैठे थे, लगता था जैसे गोली मार देंगे। लेकिन आज इनको सुनकर के अच्छा लग रहा है कि बीजेपी में ऐसे प्रवक्ता भी हैं जो कर्मचारियों की बात कहते हैं। नंबर दो, चार साल की सरकार में, पिछली इसी बीजेपी की सरकार में, चार साढ़े चार साल की सरकार में कर्मचारी मांग करते रह गए कि हमारी बात सुनिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई न तो मुख्य सचिव स्तर पर हुई, न ही मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई। मुझे यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, ये सही है कि नेतृत्व बदलने परिवर्तन के बाद, चुनाव सामने आने के बाद कर्मचारियों की सुनवाई शासन स्तर पर भी हुई और सरकार के स्तर पर हुई, वायदे किए गए, कुछ पूरे भी किए गए। यदि यही काम सरकारें शुरू से करती, हम और कुछ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं सुन ले वर्मा जी भी और राव साहब भी। अभी अजय जी ने कहा, हम कहते हैं आप हमारी जो मांग पूरी नहीं कर सकते हैं तर्क सहित, तर्क संगत ढंग से अपनी बात हमारी सुनिए, तर्क संगत ढंग से अपनी बात आप भी कहिए। आप मांग पूरी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम यदि आपको तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप मना कर दीजिए, हम आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, हम हट जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। लेकिन यदि हम तर्कसंगत रूप से सही हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सुनो तो सही, सबसे बड़ी बात सुनवाई की है। सुनवाई जब होगी तो आपका पक्ष भी सामने आएगा, हमारा पक्ष भी सामने आएगा। सबसे जरूरी बात यह है, हम और कुछ नहीं चाहते इन लोगों से कम हमारी सुनवाई हो, आमने सामने पारदर्शिता से बात हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। दो दिन बात करिए, लेकिन करिए। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको उसके पीछे ठोस तर्क देने पड़ेंगे, जैसे हम देते हैं अपनी मांग पूरी करने के, ठोस तर्क देने में। अजय पांडे जी, आपने सुना, आपने अरुण पांडे जी की भी बात सुनी, उनकी सारे वो तर्क के साथ बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी की भी पार्टी बने, हमें प्रदर्शन फिर भी करना पड़ेगा, हमें अपनी मांगों के लिए लड़ाई फिर भी करनी पड़ेगी। हालांकि अभी सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आएंगे तो हमें अपनी मांगों के लिए फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा, फिर से विरोध करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर कहीं अंतिम समय में कोई सरकार हमारी सुनेगी। कितने सहमत हैं आप? देखिए सुभाष जी, जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर के सहमत हूं, और मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा। आज तक कर्मचारियों की कोई एक ऐसी मांग बता दीजिए जो बिना आंदोलन के सरकारों ने मानी हो। कर्मचारियों की जो तमाम मांगे होती हैं वो सरकार आराम से आसानी से नहीं मानती।
जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें रही हों, चाहे अभी बैठे दोनों पार्टियों के लोग हों, कांग्रेस के, बीजेपी के, मांगे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को जरूर फिर से अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। आज भी उनकी बातों को माना जाता है और अगर उन्होंने 18 बिंदु रखे हैं तो 5-7 बिंदुओं पर सहमति बनती है, बाकी को कैबिनेट की कमेटी में रखा जाता है या बाकी अन्य लोग समय के लिए टाल दिए जाते हैं, तो टाल मटोल कर्मचारियों के मांगों को लेकर के हमेशा होती रही है। और हमेशा जब कर्मचारी बड़े आंदोलन करते हैं, जब सड़कों पर उतरते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, तब जाकर के उनकी मांगों को सरकारें मानती हैं। तो ये डिबेट में बैठ करके अगर ये बताया जाए कि हम कर्मचारियों के कर्मचारियों के हित के लिए हम तमाम फैसले करते हैं, तो ये एक तरह से कहें तो विरोधाभास है पूरी तरह से, क्योंकि कर्मचारियों की कभी किसी भी मांग को आसानी से नहीं माना गया। और दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उच्च अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को हमेशा डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये कहा जाता है कि आप अपने आंदोलन को वापस ले लीजिए, तमाम तरह के दबाव भी बनाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को देखते रहे हैं। कर्मचारियों के हित के जो फैसले होते हैं बिना आसानी से नहीं होते हैं, कर्मचारियों को दबाया डराया भी जाता है, लेकिन जब कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ लेती है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जब शर्माने लगती है, तब जाकर के कर्मचारियों की हित की बात कही जाती है, तब कर्मचारियों की बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उनको कहा जाता है, उनको ये कहा जाता है कि हम आपकी मांग को मानते हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम करिए, हमारे हित के लिए काम करिए। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कर्मचारियों को हमेशा कर्मचारियों का दोहन किया जाता है, राजनीतिक दलों के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है और समय समय पर कर्मचारियों के हित की बात तभी की जाती है जब उनसे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सरकारों को लाभ लेना होता है या राजनीतिक पार्टियों को लाभ लेना होता है। तो अगर कर्मचारियों को ये कहा जा रहा है कि हम उनके हित की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी पार्टी की सरकार बने, कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से सुना जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली है कि जब आप अन्य मदों में कटौती नहीं करते हैं, बाकी एक लंबी चौड़ी मंत्रियों की बहुत खड़ी करते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, तमाम तरह के लोगों को विधायकों के लिए, तो कुल मिला के ये है कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना बेहद ज्यादा जरूरी है। समय बहुत कम है, राव साहब आपसे आखिरी कमेंट लेंगे। आपने कहा पहली कैबिनेट में हम ये फैसला ले लेंगे, लेकिन आपके हरीश रावत जी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो कई सारे ऐसे घोषणा पहले ही कर दी है जो पहली कैबिनेट में होनी है, तो ये माना जाए कि पहले यदि सरकार बनेगी तो जो पहली कैबिनेट है उसमें 4-5 फैसले तो फिक्स है। ये कहा जा सकता है महिला मंगल दलों को, मैं बता रहा हूँ, देखिए पुरानी पेंशन बहाल फैसला हुआ, मुंडन वालों को पेंशन, फैसले होने हैं, घसियारियों को पेंशन, जी 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 जी, तो ये मान लिया जाए, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे एक विजन का हिस्सा है, हमने ये चीजें पहले करके दिखाई हैं और अब भी करके दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, मैं एक युवा कांग्रेस का युवा प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत ही गहराई से, बहुत ही सामंजस्य के साथ ले रहा है। पहले कितने काम किए जो अब करेंगे, सर आपने जितने किए उससे कुछ ज्यादा ही किए, मेरे भाई 2012 से 17 तक जितने काम किए हो जरा जरा पहले उनकी गिनती करवा लेंगे, हमने आपने तो मुख्यमंत्री 2012 17 तक जितने काम किए उनकी गिनती करवा लो, जो हम जो आगे के लिए आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, गिनती के लिए कोई और दिन रखेंगे, आप भी अपनी गिनती लेकर आना कि आपने कितने काम किए, राव साहब भी अपनी गिनती लेकर आएंगे, लेकिन आखिरी घसियारी योजना, माफ कीजिएगा, घसियारियों को पेंशन देंगे, महिला मंगल दलों को पेंशन देंगे,
मुंडन करने वाले नाइयों को पेंशन देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे सरकारी कर्मचारी, यानी कि चार पांच फैसले तो कांग्रेस ने बता दिए पहली कैबिनेट के। आपके भी कुछ फैसले होंगे पहली कैबिनेट के, वो भी आप भी बता दीजिए। और ये पुरानी पेंशन वाला मामला कब आएगा, पहली कैबिनेट में, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में या अंतिम साल में फिर आप घोषणा करके चले जाएंगे? किसी साल में नहीं आएगा। सुभाष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रिलायबल पार्टी है, हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं उतना ही हम लोग बोलते हैं। हम लंबी चौड़ी ऐसी घोषणाएं नहीं करते जो पूरी नहीं हो सकती या पूरी नहीं हम कर पाए। हम लोग उतनी बात करते हैं जितनी बात हम लोग अच्छे से कर सके, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक विश्वास करते हैं, अपना अपना एक विश्वास व्यक्त रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है तो वो करेगी। और मैं दावे के साथ अपने कर्मचारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द टॉप प्रायोरिटी पर आपकी जो ये पेंशन वाला मुद्दा है, इसको हम टॉप प्रायोरिटी पर इसको सॉल्व करने का प्राथमिकता में आप रखेंगे। हाँ, टॉप प्रायोरिटी पे होगा। आपने सुना, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, लेकिन आप तो मानते ही हैं कि आप लोगों को आंदोलन करना ही पड़ेगा किसी की भी सरकार बने तो। मतलब उम्मीद ये कहा जा सकता है कि झूठे वादे राजनीतिक दल चुनाव के समय में कर देते हैं लेकिन मांगों के लिए लड़ना जरूरी है। अरुण पांडे जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सुभाष जी आज इनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारा दिल तो एकदम बल्ले बल्ले हो रहा है कि चलो भैया पहली कैबिनेट आते ही हमको जो है पुरानी पेंशन और तमाम सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि नाऊ भाई कितने बाल बाबू आगे ही आएंगे, देखते हैं इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये लोग कितनी अपनी बातें पूरी करते हैं और कितनी पूरी करेंगे ये देखना पड़ेगा। आप भी यही है, हम भी यही है, सब अच्छा होगा। ठीक सर, सब अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। होप फॉर द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि शायद दोनों ही राजनीतिक दल अपनी बातों पर कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड में नई सरकार बनेगी, यानी कि 10 मार्च के रिजल्ट के बाद जिसकी सरकार बनेगी वो शायद उनकी इन मांगों को मान ले और उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करके दे दे। लेकिन वही कर्मचारियों की बातें भी निकल कर आ रही हैं, कर्मचारी ये मानते भी हैं कि वादे जरूर राजनीतिक दल करते हैं लेकिन जब सरकार बनती है, जब सत्ता आती है, फिर वो सभी वादों को भूल जाते हैं और उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ता है। अब ये 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी क्या वो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी या नहीं, या फिर कर्मचारियों को सड़कों पर ही आंदोलन करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।